ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया और मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 6 युवतियां भी शामिल है जो भोले भाले लोगों को टारगेट करके उनसे चिटिंग की वारदात को अंजाम देते थे। अब तक 1700 से ज़्यादा लोगों को इजी लोन दिलाने के बहाने ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। DCP द्वारका हर्षवर्धन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में आमिर, रोहित वर्मा, फैजल, विशाल, मोहित कुमार, संतोष और 6 युवतियां शामिल है, गाजियाबाद और दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 21 मोबाइल, 29 रजिस्टर, 2 नोटपैड और 1 लैपटॉप भी बरामद किया है। इस मामले में फैजल के एक दोस्त पारस की तलाश की जा रही है जो गाजियाबाद यूपी का रहने वाला है। पुलिस को 29 रजिस्टर मिले हैं, उसकी डिटेल के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक की उन्होंने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी कर चुके हैं। थाना बिंदापुर और द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशंस के जॉइंट टीम ने एक कॉल सेंटर पर रेड किया था जो कि बिंदापुर थाने के अंतर्गत बाल उद्यान रोड है, वहां पर एक कॉल सेंटर चल रहा था। यहां से 12 लोगों को पकड़ा गया और ये पाया गया कि ये कॉल सेंटर जो है लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड कर रहा था। इसमें जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि लोगों को एक मैसेज जाता था, बल्क मैसेज में कई हज़ार लोगों को मैसेज जाता था कि आपको इस तरह कोई एक सरकारी स्कीम के तहत लोन मिल सकता है और अगर आपको लोन चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। जब लोग उस नंबर पर संपर्क करते थे तो उनसे कोई डॉक्यूमेंट लिया जाता था और उनको ऐसा झांसा दिया जाता था कि उनको लोन मिलेगा, उसके बदले में प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य फीस उनसे मांगा जाता था जो करीब 1200 रुपये से लेकर 50,000 तक लोगों ने उनको उस झांसे में आकर दिए हैं। इस जगह पर ये कॉल सेंटर फरवरी के महीने से चल रहा था और वहाँ पर 29 रजिस्टर मिले हैं जिसमें कि जिस लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है उनके डिटेल्स वगैरह मिले हैं। करीब 1700 लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है और मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड अमाउंट उन्होंने लिया है उन लोगों से। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो एक मेन अक्यूज्ड है उनका भी हम अभी और तलाश कर रहे हैं। कुछ एक मेन अक्यूज पकड़ा हुआ है फैसल और जो दूसरा एक मेन अक्यूज है पारस, उसके लिए भी हमारी तलाश जारी है।